नमस्कार, महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा बीए पार्ट थर्ड से लिया गया है। बीए पार्ट थर्ड का गद्य भाग निबंध विधा के ललित निबंध संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। रामविलास शर्मा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम कुछ मौलिक जानकारियां करते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को एवं निधन 30 मई 2000 को हुआ। इनका जन्म उन्नाव जिले के ऊंच गांव सानी में हुआ। हाँ, और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया अंग्रेजी में, फिर पीएचडी की। और साहित्यिक इनका कार्य बहुत बड़ा रहा, जिसमें सबसे श्रेष्ठ जो रचना रही इनकी निराला की साहित्य साधना, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत भारती पुरस्कार दिया गया, भारत के प्राचीन भाषा एवं परिवार के लिए उन्हें व्यास सम्मान दिया गया, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सम्मान, शताब्दी सम्मान आदि इनको प्रदान किए गए। अब हम आते हैं इनके कृतित्व पर। तो मैंने जैसे अभी बताया आपको, निराला की साहित्य साधना इनका प्रमुख ग्रंथ रहा, जो तीन भागों में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा इन्होंने रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना लिखी, भारतीय साहित्य की भूमिका लिखी, परंपरा का मूल्यांकन लिखा, हिंदी जाति का साहित्य लिखा, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएँ लिखी। ऐसे ही इन्होंने लिखा मारु प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण काल, अपनी धरती अपने लोग आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका हिंदी साहित्य का मील का पत्थर साबित होने वाला निबंध है। इन्होंने ये दिखाने की चेष्टा की, ये समझाने की चेष्टा की कि संत साहित्य की भूमिका किस प्रकार से ऐतिहासिक परिदृश्य रखती है। भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से पूर्व, रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से पूर्व साहित्य में जो देशव्यापी धारा प्रवाहित थी, उसे हम संत साहित्य कहते हैं। इस धारा का स्रोत न तो राजदरबार थे, न मंदिर, न मस्जिद थे। इस धारा का स्रोत भारतीय जनता का हृदय था। सदियों में वर्ण आश्रम, धर्म, सामंती शासन की चट्टानों के नीचे से जो धारा उमड़ घुमड़ रही थी, इस मध्यकाल में हठात फूट पड़ी। उसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, इस देश की विशाल धरती को सींच दिया। इससे इतने बड़े पैमाने तक पर अब तक मानवीय इतिहास में किसी साहित्यिक धारा का प्रसार नहीं हुआ था। इतिहास का भव रेनेसांस इसके सामने बहुत ही सीमित दिखाई देता है। आगे वे कहते हैं कि केवल 20वीं शताब्दी में सामंतवादी विचारधारा से प्रभावित साहित्य देश की सीमाएं तोड़कर उससे भी बड़े पैमाने पर फैलाता है। यह सच है। यूरोप के पूंजीवाद ने विश्वव्यापी बाजार कायम किया, देश का अलगाव खत्म हुआ, लेकिन यह पूंजीवादी व्यवस्था पिछड़े हुए देशों की भाषा और संस्कृति को कुचलता हुआ खुद अपने घर में जन विरोधी असंगतियों के कारण दांते, शेक्सपियर, मिल्टन जैसे साहित्यकार बहुत पूंजीवादी नैतिक मूल्यों का विरोध करते हुए आगे बढ़ते। भारतीय संत साहित्य श्रमिक जनता के से अलग उच्च वर्ग का साहित्य नहीं था। उन्होंने उनके निर्माता किसान और कारीगरों के वर्गों में पैदा हुए थे। उनके हाथों संस्कृत और फारसी से भिन्न भारत की प्राचीन भाषाएँ साहित्य के मंच पर प्रतिष्ठित हुई। संस्कृत और फारसी का एकाधिकार खत्म हो गया और जो लोक और जन भाषाएँ थी उनमें साहित्य की रचना होने लगी थी। भारत का विराट जन जागरण आरंभ हो गया था। इस प्रकार हम देखते हैं मध्यकालीन भारत के अंदर कि जो संत साहित्य का आविर्भाव हुआ, उससे क्या है कि पूरे भारत में ही लौकिक तरीके से जन जागरण का आरंभ हुआ। आगे अध्ययन करेंगे संत साहित्य के बहुत से भेद और उपभेद हैं, तो इसका हम देखेंगे कि देखो संत साहित्य के समय में कि जो जितने प्रकार का साहित्य लिखा गया, अन्य किसी काल में इतने प्रकार का साहित्य की रचना हुई। कोई सूफी काव्य कहलाया, कोई वैष्णव, कोई निर्गुणवादी, कोई शैव, लेकिन सभी में एक तत्व समान है, प्रेम। चाहे वो सूफी काव्य हो, चाहे निर्गुणवादी हो, चाहे सगुणवादी हो, चाहे वैष्णववादी हो, कोई सा भी हो, चाहे शैव मत का हो,
उनमें एक तत्व तो सब में समान है, कौन सा? प्रेम। जैसी तुलसी मीरा कबीर, अगर इन कवियों में से हम प्रेम के तत्व को निकाल दें तो भेद उपभेद बचे रहेंगे, और अगर इन सब में प्रेम का तत्व शामिल हो जाता है तो ये सब कवि अपनी अपनी भूमिका में अलग अलग नजर आएंगे, उनका मूल स्वर नष्ट हो जाएगा। अगर प्रेम का तत्व हम उनमें से बीच में से निकाल देंगे, मीरा, तुलसी, सूर, रहीम, रैदास, कबीर, इनके काव्य में से, तो क्या हो जाएगा? उनका मूल स्वर नष्ट हो जाएगा। इसलिए संत और भक्त का भेद करना ब्रह्म है। संतों और जायसी जैसे प्रेम मार्गी कवियों में मौलिक भेद करना सही नहीं है। इस प्रेम के आधार पर ही हिंदू और मुस्लिम छूत भेद करना भी सही नहीं है। इस प्रेम के आधार पर हिंदू और मुसलमान छूत अछूत सब मिलकर एक हुए, कभी निर्गुणवादी संत थे तो भक्त भी कहलाते थे। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है इस चीज़ का, भक्ति का मार्ग जीना रे, ऐसा कहने वाला कबीर था। तुलसी भक्त कवि थे। अब हम बात करेंगे कबीर के बाद में तुलसी की। तुलसी भक्त कवि थे लेकिन संत भी थे, ये भी बात सच है, है ना। मुध मंगल में संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राज, चाहे वह भक्ति हो चाहे साधना हो, उसके मूल मंत्र में प्रेम है। कबीर के शब्दों में, सुन्य मरे अजपा मरे, अनहद हु मरी जाए, राम स्नेही नाम रे कहे कबू कबीर समझाए। यह प्रेम आध्यात्मिक है या मानवीय है, इस पर भी हम अध्ययन करते हैं। देखते हैं कैसे, कि ऊपर से देखने पर मालूम होगा कि यह प्रेम आध्यात्मिक है और ये कवि ईश्वर के ध्यान में मग्न है। वास्तव में प्रेम का रूप ही आध्यात्मिक है, उसका अंतस मानवीय है, ठीक है। इस बारीक अंतर को समझने की प्रयास करना चाहिए कि वास्तव में प्रेम का जो बाहरी व्यापक जो रूप है वो तो आध्यात्मिक नजर आएगा, लेकिन अंतस, उसके अंतर आत्मा में अगर हम प्रवेश करके देखेंगे तो वो मानवीय नजर आएगा। मानव मात्र के समानता, मानव प्रेम, यही प्रेम का मूल मंत्र है। इसलिए मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली जाति, वर्ण, व्यवस्थाएं, धर्म के नाम पर मानव से घृणा करने और सिखाने वाले विचारधारा का विरोध करते हैं संत कवि। सूर और तुलसी में राम और कृष्ण की कथा के माध्यम से प्रेम को और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। संतों के लिए संसार सत्य है या मिथ्या, जो संत कवि हुए उनके लिए ये संसार मिथ्या है या सत्य है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि उन्होंने सैकड़ों पद ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इस मिथ्या संसार से नाता तोड़कर शाश्वत सत्य और परलोक से नाता जोड़ने का उपदेश दिया है। कुछ विद्वानों के लिए संत साहित्य का यह मूल संदेश है कि वास्तव में यह मायावादी संत साहित्य का सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। इसका ऐतिहासिक कारण यह रहा कि उस समय किसी क्रांतिकारी वर्ग के नेतृत्व में देश के सामंत विरोधी जनता का संगठन नहीं हुआ था, इसलिए एक कल्पित आनंद, कल्पित साधना द्वारा मनुष्य अपने हृदय को ढांढस बनाता रहता था। आगे हम देखते हैं कि साहित्य, संत साहित्य का यह मानव मायावादी रूप उसके सामंती विरोधी संघर्ष प्रिय चुनौती देने वाली सामाजिक रूप से टकराता है, उसे सीमित करता है। फिर भी तुलसी की यह स्पष्ट उक्ति है, झूठो है सदा झूठो, जग संत कहत के अनंत रहा है, जानिए गुमान वही तुलसी के विचार गंवार महा है। तुलसी की गोपी, सूरदास की गोपी गायें जब योग को कोसती हैं तो तुलसी की ग्राम बुद्धियाँ जब सीता से पूछती हैं, कहो साव सखी सांवरे से ये रावरे कौन है। जब मीरा विवल होकर के गाती हैं, अश्वन जल सींच प्रेम बेल बोई, तब संत साहित्य की धारा मानव प्रेम की ही प्रतिष्ठा करती है, चाहे कवि कोई सा भी रहा, ठीक है। वह इसी संसार में मनुष्य के परस्पर सुखद संबंधों को गौरवान्वित करती है। संत साहित्य की प्रबल धारा ने समाज के ऐसे स्तरों को जगाया जो सबसे पीड़ित थे। संत साहित्य की जो भूमिका है उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, और संस्कृति से वंचित है। अछूत और नीच कहलाने वाले लोगों में संतों का जन्म हुआ। इन सब लोगों के लिए मस्जिद में जगह नहीं थी। इन्होंने निर्गुण मंदिर, मस्जिद, वेद, पुराण, कुरान के विरुद्ध चुनौती बन कर आया है। वे वेद, मंदिर, मस्जिद की सीमाएं नहीं मानते, भले ही इनका द्वार उनके लिए बंद हो, वे अपने हृदय में साहेब का दर्शन करते हैं। संत साहित्य की इस पीड़ित जातियों का क्रोध अच्छी तरह प्रकट करता है। संत साहित्य इन पीड़ित जातियों का, जो सदियों से क्या है, शोषण का शिकार रही, उन्हीं में से संत कवि उत्पन्न हुए। देखिए वे कितने शीतल हैं, उनके ऊपर
उन ऊपर कहा है कि गंवार माया की उक्ति एक मिसाल है, ठीक है ना। कबीर का तो ये कहना ही क्या, हिंदू और मुसलमान दोनों का दंभ करने वालों पर, ब्राह्मण और ऊंची जाति का होने पर गवा गर्व करने वालों पर उन्होंने क्या क्या वार किया है। साधु पंडे पांडे निपुण कसाई बकरी मारी भेड़ को दाव दिल में दर्द ना आई, आना संत सहित हिंदुओं और मुसलमानों का मिलाने वाला था, उसकी धार्मिक कट्टरता की कटु आलोचना करने वाला, जाति प्रथा ऊंच नीच का भेद मिटाने वाला साहित्य है। सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को, देखो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि सामंती समाज में पुरोहितों ने नारी मात्र को संस्कृति की चुनौती के बाहर कर दिया था। बहुत दिनों के बाद नारी ने इस चौकी की सीमाएं तोड़कर साहित्य के क्षेत्र में पैर रखा। मध्यकालीन भारत में नारी जागरण की प्रतीक अमर गायिका मीराबाई, संतों ने नारी को साधना में बाधक माना, लेकिन सूर तुलसी चंडी आदि कवियों ने उनके प्रति संवेदना प्रकट की है और उनके उसके प्रेम और सौंदर्य के गीत गाए। संत साहित्य नई जातीय चेतना का साहित्य भी कहलाता है। यह जातीय चेतना मध्य भाषा प्रेम के रूप में प्रकट होती है। संत कवि संस्कृत और फारसी की तुलना में रस की भाषा है। दिल्ली दरबार के खिलाफ भारत की जातियों ने जो संघर्ष किया था उसके संत साहित्य का निकट संबंध है। संत कवियों ने दरबारी वीर रस का मार्ग छोड़कर प्राचीन मध्य काव्यों के आधार पर वीर भावना का संचार किया है। इसी उपदेश में मराठी के संत कवि समर्थ गुरु रामदास ने सुंदरकांड और युद्धकांड की रचना की थी। तुलसी को धनुर्धारी राम इसलिए प्रिय है कि स्वामी रामदास ने दास बोध से सैन्य संगठन और किले बंदी पर जो रचनाएं की हैं पर सब संत साहित्य के जातीय पक्ष का प्रमाण है। आगे देखते हैं संत साहित्य के कलात्मक सौंदर्य को और भी विकसित किया है। उसकी कला का मूल आधार लोक संस्कृति रही है। तुलसी और जायसी की चौपाई, कबीर के दोहे, साखियां, मीरा के भजन जनता के अपने साहित्यिक रूप थे। संत कवियों और ने अपने ही गेयता माधुर्य और सरलता से दरबारी साहित्य को परास्त किया। आज गुण में कोई दरबारी कवि उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उनके रूपक और उपमाएँ अनूठी है, विशेष कर तुलसी के थोड़े से शब्दों में विराट चित्र देने की अपूर्व क्षमता है। यही कारण है कि इन कवियों की सैकड़ों पंक्तियां जनता के कंठ में बस गई है, उनकी लोक संस्कृति का अंग बन गई है। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका है कि उसके सामंती बंधनों का विरोध करके सहज मानवता की प्रतिष्ठा की। हमें याद रखना चाहिए इस चीज़ को कि उसने जनता की जातीय और जनवादी चेतना को पुष्ट किया, उसके क्रोध आशा विजय कामना को वाणी दी। संत साहित्य अंग्रेजी साम्राज्यवादियों का यह दावा झूठा साबित करता है कि जब वे भारत में आए तब देश असंस्कृत था। अंग्रेजों का यह दावा था कि गंवार है, अनपढ़ है, असंस्कृत है, ठीक है ना। संत साहित्य हमें यह जनवादी आधार देता है कि जिस पर नई जन संस्कृति का प्रसाद बनाया जाएगा, ऐसी संस्कृति का जिसका उद्देश्य जन कल्याण होगा। इस तरीके से हमने संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका निबंध रामविलास द्वारा रचित का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त हमने इससे पूर्व हमने साहित्य जन समूह का के हृदय का विकास